दोस्तों, मैं आशीष और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स जो कि क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट, कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट स्पेशली ऑप्ट कर सकते हैं या फिर इसको एंट्रेंस एग्जाम देके कोई बड़े कॉलेजेस या फिर कोई अच्छे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो मैंने पार्ट वन बनाया हुआ है साइंस कोर्स के ऊपर, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो। अगर कॉमर्स स्टूडेंट हो तो बने रहना इसी वीडियो में, लास्ट तक देखते रहना, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, मिस मत करना, हर पार्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको हर एक एंट्रेंस एग्जाम जो कि आपने बहुत कुछ सुना भी नहीं होगा एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, उसके बारे में मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ इसमें, ये बेसिकली आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो बने रहना इसी। एक मिनट, स्टार्ट करने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, लाइक भी कर देना और नोटिफिकेशन बेल दबा देना ताकि मेरी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफाइड हो जाए। तो भी स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो करियर को सिलेक्ट करें। कॉमर्स के लिए ज़्यादा करियर ऑप्शंस खुले नहीं होते हैं, बट हाँ जो भी खुले होते हैं उनके बारे में बता दूंगा। तो उनके लिए हो गया बीकॉम, हो गया बीबीए, हो गया या फिर बीएमएस, ये सब हो गया, तो मैं आपको इसी में बता दूंगा। तो पहला एंट्रेंस एग्जाम हो गया हमारा CACPT, हमारा हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये हो गया। नेक्स्ट हो गया हमारा CSEET, हमारा ये हो गया CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट हो गया ये हमारा। ओके, तो CS क्या होता है कि हमारा होता है कंपनी सेक्रेटरी होता है। नेक्स्ट हो गया सेंट जेवियर एडमिशन टेस्ट, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। तो नेक्स्ट हो गया NMIMS NPAT हमारा हो गया, ये नर्सी मोन्जी इंस्टीट्यूट हमारा हो गया। नेक्स्ट हो गया CMA हमारा कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। नेक्स्ट हो गया DUJAT हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट हो गया IPUCET इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में। तो नेक्स्ट हो गया BHUET हमारा हो गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट हो गया LPU NEST हमारा हो गया। नेक्स्ट हो गया IPMAT हो गया, मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था IPMAT क्या होता है, कि ये IIM के थ्रू एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कि आपको ड्यूअल डिग्री मिलती है, BBA प्लस MBA की डिग्री मिलती है। नेक्स्ट हो गया आपका AIMA UGAT हमारा हो गया, ये ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का टेस्ट। नेक्स्ट हो गया आपका LUSCMAT हो गया हमारा, लखनऊ यूनिवर्सिटी एसोसिएटेड कॉलेज मैनेजमेंट एडमिशन। तो अभी बात कर लेते हैं जो आर्ट्स स्टूडेंट के लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। उनके बेसिकली BA का एग्जाम ही होता है क्योंकि बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, बाकी जो जो होता है मैं आपको बात धीरे धीरे बताता रहूँगा। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए आपको क्या कर सकते हैं, तो BHUET हमारा टेस्ट हो गया। नेक्स्ट हो गया हमारा NPAT का टेस्ट हो गया। नेक्स्ट हो गया हमारा IPUCET। नेक्स्ट हो गया DUJAT हो गया। नेक्स्ट हो गया CUCET हमारा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। मैंने ये कुछ आपको 4-5 ऑप्शन बताया, आप देख के चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया आपको फैशन डिजाइनिंग में अगर शौक है तो फैशन डिजाइनिंग के लिए क्या क्या कोर्सेस है, साइंस वीडियो में मैंने पहले भी डिस्कस किया था, फिर मैं फिर से आपको यहाँ पर बता देता हूँ। फैशन डिजाइनिंग के लिए NID हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग। नेक्स्ट हो गया हमारा NIFT हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हो गया हमारा LPU NEST हो गया लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट हो गया FDTI AIST हमारा हो गया, फुटवेयर डिजाइनिंग होता है। नेक्स्ट हो गया SEED हो गया। नेक्स्ट हो गया हमारा सिम्बायोसिस के लिए। नेक्स्ट हो गया MDAT हमारा हो गया, मणिपाल यूनिवर्सिटी डिजाइन एंट्रेंस टेस्ट हो गया। नेक्स्ट हो गया हमारा IIAD इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जाम। तो मैंने ये कुछ आपको 6-7 ऑप्शन बता दिए, आप जाकर चेक कर सकते हो अगर इंटरेस्ट है आपको फैशन डिजाइनिंग में। ओके, तो फैशन डिजाइनिंग के लिए बेसिकली आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी एलिजिबल है। तो अभी बात करते हैं लॉ के ऊपर, लॉ LLB का एग्जाम क्या क्या होता है। तो CLAT हो गया, नेक्स्ट AILET हो गया, नेक्स्ट हो गया LSAT हो गया, नेक्स्ट हो गया SLAT हो गया, नेक्स्ट हो गया DU LLB हो गया, नेक्स्ट हो गया BHU UET। मैंने LLB के ऊपर पहले वीडियो बनाई तो आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएगा हर स्टेट वाइज एग्जाम्स पे, आप जाके चेक कर सकते हो अगर इंटरेस्टेड है तो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जर्नलिज्म एंड मास मीडिया या फिर मास कम्युनिकेशन। तो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में आप क्या कर सकते हो, थोड़े बहुत एंट्रेंस एग्जाम में बता देता हूँ आपको। IPUCET हो गया, नेक्स्ट हो गया आपका IIMC एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका JMI हो गया। नेक्स्ट हो गया DU JEE मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी जर्नलिज्म एंट्रेंस टेस्ट हो गया। तो ये आपका कुछ टॉप के एंट्रेंस एग्जाम है जैसे कि आप जर्नलिज्म में और मास मीडिया में कम कर सकते, ये दोनों कॉमर्स एंड आर्ट्स स्टूडेंट दोनों के लिए अप्लीकेबल है। एक बात करें तो होटल मैनेजमेंट का दो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, NCHMCET हो गया हमारा एंट्रेंस टेस्ट हो गया। नेक्स्ट हो गया IIHM ECAT हो गया, या आप जाके चेक कर सकते हो। ओके, तो यहीं पर ही अपना वीडियो रखते हैं। मैंने कुछ लास्ट के जो कुछ ऑप्शंस बताए हैं वो दोनों साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों कर सकते हैं, कोई उसमें ये नहीं है कि आप कौन से स्ट्रीम से हो।
बेसिकली वो थी लास्ट के मैंने जो बता दी आपको वो इम्पॉर्टेंट है, जो कि करिकुलम मतलब जिसको ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड वो कर सकता है, फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया, फिर होटल मैनेजमेंट हो, ये सब कुछ ज़्यादा एक्टिविटी वाले एंट्रेंस एग्जाम है। और मैंने जो बताया बैचलर्स ऑफ आर्ट BBM या फिर BBA BCom के लिए नेक्स्ट हो गया, फिर जो BA के लिए मैंने आपको बता दिया वो कॉमर्स के लिए और आर्ट्स के लिए सेपरेट है। तो ये तो अपना वीडियो यहीं पर ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दे रहा हूँ उस बच्चे को जिसको ज़रूरत है।